सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमी कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीता एंड टुडे वी विल स्टडी हिंदी लिटरेचर चैप्टर 2 आलस्य का फल। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार था, सज्जन था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत आलसी भी था। उसका मानना था कि जो भी कुछ होता है वो सब भाग्य से ही होता है। तब वो समझता था कि भाग्य से ही सब कुछ होता है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। इस कारण हर समय बैठा रहता था और कोई काम भी नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ एक साधु आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु का खूब आदर सत्कार किया। यह देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न मीन बहुत खुश हो गया। वह बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुम दोनों के मेहमान की इस तरह से सेवा करने वाले व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास एक जादुई पत्थर है, यदि तुम इसे लोहे से स्पर्श कराओगे मीन उसको छुआओगे, तो वह लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यह काम तुम्हें केवल 7 दिनों के अंदर ही पूरा करना है, यानी तुम 7 दिनों तक इस जादुई पत्थर से लोहे को सोना बना सकते हो और 7 दिन के बाद मैं इसे वापस ले जाऊंगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, उसने खुशी खुशी जादुई पत्थर साधु से ले लिया। साधु भी खुश होकर वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, अभी तो मेरे पास पूरे 7 दिन हैं, मैं ये काम कल से शुरू कर दूँगा। और वह आलसी था, इसलिए चादर ओढ़ के आराम से सो गया। अगले दिन ब्राह्मण सुबह उठा, उसे साधु बाबा की बात याद आई। उसने घर में लोहा ढूंढना शुरू कर दिया। उसे घर में बहुत थोड़ा सा ही लोहा मिला। ब्राह्मण ने उसको सोना बना लिया और बाज़ार में जाकर बेच आया और उस पैसे से उसने कुछ सामान खरीद लिया। फिर वह आराम से बैठ गया। अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने फिर से उसको कहना शुरू किया कि बाज़ार से लोहा खरीद लाइए। तब अपनी पत्नी के कहने पर वो बाज़ार से लोहा खरीदने गया, लेकिन उसे पता चला लोहा तो महंगा है, तो वह घर लौट आया। 2-3 दिन के बाद फिर से बाजार गया। उस दिन लोहा पहले से भी ज़्यादा महंगा था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अभी तो 1-2 दिन में जो लोहे के भाव हैं वो अवश्य ही नीचे आ जाएंगे, मतलब लोहे के जो भाव हैं कम हो जाएंगे, तब मैं लोहा खरीद लूँगा। इस प्रकार करते करते काफ़ी दिन निकल गए, लेकिन लोहा सस्ता नहीं हुआ। 8वें दिन ब्राह्मण जब घर में सो रहा था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने साधु खड़े थे। ब्राह्मण की पत्नी ने तुरंत ब्राह्मण को उठाया। ब्राह्मण साधु को देखकर हैरान रह गया। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपना जादुई पत्थर वापस लेने आया हूँ। ब्राह्मण घबरा गया और बोला, मैंने तो अभी तक कुछ भी सोना नहीं बनाया है, क्या आप मुझे थोड़े से और दिन नहीं दे सकते? साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अब जादुई पत्थर तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें 7 दिन का समय दिया था, तुमने समय का सदुपयोग नहीं किया। जो मनुष्य समय पर अपना काम करना नहीं जानता, वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु जादुई पत्थर को लेकर वहाँ से चला गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सिर धुनते रह गए, मीन पछताते रह गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने से बहुत नुकसान होता है। जो लोग आलस करते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, अतः आलस्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। समय पर काम करने चाहिए, काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।